चाहे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या फिर कॉलेज में, एग्जाम का नाम सुनते ही हम सबके पसीने छूट जाते हैं। एंड आपका भाई भी उसमें कुछ कम नहीं है। द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ इज ईयर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस 3 ईयर्स आई एम फीलिंग एन एग्जाम प्रेशर। MDMS में आपको 3 साल के टोटल कोर्स के बाद एग्जाम देना पड़ता है एंड यू हैव द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास द एग्जाम बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ सर्जन एंड गोना ऑपरेट ऑन लाइव पेशेंट एंड टू गेट दैट प्रेशियस डिग्री एंड अपॉर्चुनिटी यू मस्ट हैव टू गेट एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स, तभी आपको पास किया जाएगा एंड तभी आपको डिग्री दी जाएगी, वरना 26 ईयर्स पे भी एम्स के सर्जन को फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दर्शन पटेल, सर्जरी रेसिडेंट एट एम्स जोधपुर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एम्स इन द कंट्री। टुडे इज अ संडे एंड वी यूजुअली गेट गुड टाइम ऑन वीकेंड्स। यूजुअली एज अ रेसिडेंट हम 24/7 वर्क पे होते हैं, चाहे संडे हो या मंडे, नो मर्सी। बट बिकॉज ऑफ आवर नियर बाय एग्जाम्स हमें थोड़ी बिलो द टेबल फ्रीडम मिल जाती है। अवर सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स हियर आर रियली गुड एंड दे अंडरस्टैंड अवर सिचुएशन। आफ्टर वेकिंग अप एट 7 आई क्विकली डिड माई ब्रश एंड फेस वॉश इन 10 मिनट्स एंड उसके बाद मैंने हाईली प्रोडक्टिव मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन किया। मेडिटेशन टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल टाइम फॉर माई माइंड। माई ब्रेन गेट्स टोटली रिफ्रेश्ड विद मच मोर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। मेडिटेशन कैसे करना है उसके 2 सिंपलेस्ट वीडियोज मैंने रिसेंटली इस चैनल पर बनाए हैं, मेक श्योर यू हैव सीन दैट एंड ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। विथ ओनली 1 month लेफ्ट फॉर माई एग्जाम आई हैव डिवाइडेड माई स्टडी सोर्सेज इन 3 पार्ट्स, फ्रॉम बेसिक नॉलेज टू डिटेल्ड नॉलेज। नंबर 1, मैरो पल्स एंड नॉट्स। नंबर 2, सर्जी लाइट नॉट्स। दे आर प्रीमेड नॉट्स वेरी वेल रिटर्न फॉर पर्टिकुलरली MS एग्जाम्स। यूजुअली आई प्रीफर टू रीड सेल्फ मेड नॉट्स बट आई थिंक आई डोंट हैव मच टाइम टू मेक नॉट्स, सो इट्स बेटर टू गो विथ सम प्रीमेड गुड नॉट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड सोर्सेज। एंड नंबर 3, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल फ्रॉम बेली एंड सेबिस्टन, दैट आर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑफ सर्जरीज। बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ सर्जरी एंड डिटेल्ड नॉलेज फॉर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग टू गेट डन एटलीस्ट बेसिक थिंग्स फर्स्ट टू गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज देर इज नो मीनिंग ऑफ जंपिंग टू इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेसिस्टेक्टॉमी व्हेन आई डोंट इवन नो द बेसिक एनाटॉमी ऑफ गॉलब्लैडर एंड CBD। So today's target is to complete all the marrow pulse along with urology from marrow knots and breast carcinoma from Bailey, because what topic maine already marrow knots mein se padha hua hai. Marrow surgery pulse are more than 200 in number and they are highly volatile. To complete them in just one day itself is a huge target, but still let's see how much can I complete. One by one I have completed 42 pulse and then received a call for emergency operation. Although we are relieved from emergencies currently because of our exams, but one of my junior is feeling sick and there is need of one resident in operation, so I have to go. Patient ko peptic perforation tha, yani ki khane ki theli jisko medical language mein stomach bolte hai, usme perforation yani ki chhed ho gaya tha. Because of chronic painkiller drug abuse, his stomach mucosa got eroded and ruptured, resulting in perforation peritonitis. Within one day, unki halat itni kharab ho gayi thi ki he was not maintaining even blood pressure and gradually going into septic shock. We did modified Graham's patch repair, that is repairing the perforation and placing an omental patch over it. We did our best to complete the procedure as soon as possible, but unfortunately, post-operatively, patient went into severe metabolic acidosis, and despite receiving proper ICU care, we couldn't save him. As a doctor, you will face the death daily. Patients who are same like your own parents or relatives comes with so much of sufferings. You tried so hard to save them, you got attached with them. Still, sometimes you can't save them. एंड दैट्स द सेडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर मेडिकल प्रोफेशन। एक टाइम के बाद आप इतने यूज टू हो जाते हो कि योर ब्रेन सिंपली जस्ट गेट अवे इन सेकंड्स, बिकॉज वन पेशेंट डाइड बट वी हैव सो मेनी मोर पेशेंट्स वेटिंग फॉर अस टू सेव देयर प्रीसियस लाइव्स। आफ्टर ऑपरेशन आई कैम बैक एंड स्टार्टेड रीडिंग अगेन। इट्स ऑलरेडी 4:15 PM एंड आई एम लैगिंग बिहाइंड एंड यही होता रहा है पूरे 3 साल। एज अ सर्जरी रेसिडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम फॉर रीडिंग, इवन फॉर यूट्यूब वीडियोज आई कैन हार्डली गेट टाइम टू मेक 1 वीडियो बाय अ वीक, बट बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर माई पैशन आई मेंटेन द बैलेंस ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ देम एंड होपफुली टिल नाउ आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर प्रोग्रेस आई हैव डन इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। सो इतनी पढ़ाई कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इतनी मेहनत के बाद दिमाग को रेस्ट देना तो बनता ही है यार। एंड मैं जब भी ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेता हूँ तब ट्राई करता हूँ कि उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव रिफ्रेशिंग चीज़ें हो जाए। एंड वन ऑफ माई फेवरेट टास्क इज हियरिंग ऑडियो बुक्स। बुक्स आर अ ग्रेट मीडियम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बुक्स पढ़े बिना भैया मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई एम हियरिंग ऑडियो बुक्स फ्रॉम कुकू FM। अपनी लाइफ को बदलने का पावर सिर्फ और सिर्फ सही नॉलेज से ही आ सकता है, बट अक्सर हम अपने लिए वो स्टेप उठाने में वक्त गवा देते हैं। कुकू FM इज़ इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म एंड यहाँ पर एक से बढ़कर एक थाउजेंड्स ऑफ हिंदी ऑडियो बुक्स एंड उनकी समरीज अवेलेबल है। अभी हाल ही में मैंने 21 डेज में बताया प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स सुना
एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू हियर दैट फॉर बूस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी। नॉलेज, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन या फिर एनी प्रोडक्टिव बुक, सब कुछ एक ही जगह पर अनलिमिटेड मिल जाता है, जिसको मार्केट में लोग लाखों रुपये में बेच रहे हैं। कुकू FM पर यह सारी चीज़ें आपको पूरे साल के सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगी बाई अप्लाइंग द कोड SUNO50। सो नाउ सुनो अनलिमिटेड विद कुकू FM। कोड सिर्फ 23 से 31 May तक ही अवेलेबल है। एक बार डाउनलोड करके एटलीस्ट यूज़ करना स्टार्ट करो। यू विल श्योरली लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम इट। आफ्टर रिफ्रेशिंग माई ब्रेन एंड गेनिंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज, आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग। 90 पल्स खत्म हो गए हैं एंड अब मुझे लगता है कि सिर्फ पल्स खत्म हो जाए तो भी बढ़िया रहेगा। लेट्स सी। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद मैंने डिनर किया एंड अपने पेरेंट्स को कॉल किया। मेरे पेरेंट्स गाँव में ही रहते हैं एंड बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। दे हैव वर्कड सो हार्ड बिहाइंड मी एंड आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू देम। डेली कॉल करके 5 मिनट बात हो जाए तो भी उनके दिल को अपने बेटे के पास होने का एहसास मिल जाता है। देन मैंने मेरी फियांसे को कॉल किया। पहले तो हम 1-2 घंटे तक बातें करते रहते थे, बट नाउ शी इज़ वेरी बिजी इन हर फर्स्ट ईयर MD मेडिसिन रेसिडेंसी एंड 5-10 मिनट भी टाइम मिल जाए दिन में तो भी मेरा नसीब होता है। बट स्टिल आई अंडरस्टैंड हर एंड हम दोनों के बीच में कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए बवाल या ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते हैं। कॉल ना करना, कॉल ना उठाना, मैसेज का रिप्लाई ना देना, ये सब चीज़ों पे लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं एंड यहाँ हम लोग रोज़ ये चीज़ों के साथ भी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन रिलेशनशिप गुजार रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैच्योरिटी एंड आपकी लाइफ में भी वो मैच्योरिटी आएगी। सिर्फ सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को देखते रहो बस। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने पूरे दिन में बिल्कुल मिनिमल सोशल मीडिया यूज़ किया है एंड ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, रियलिटी में मैं बहुत कम व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम तो रेयरली वीक में 1-2 बार। यस, आई कंज्यूम अ लॉट ऑन यूट्यूब, बट उसमें भी मोस्टली लर्निंग वीडियोस ऑन वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर्स और कोर्सेज और समटाइम्स माई फेवरेट सीरियल एपिसोड्स, नथिंग एल्स। मुझे जब भी बोरिंगनेस आती है मैं या तो बुक्स सुन लेता हूँ या फिर फियांसे या फैमिली से बात कर लेता हूँ या ऐसा ही कुछ प्रोडक्टिव काम कर लेता हूँ। उससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है, लर्निंग्स भी हो जाती है एंड फैमिली एंड लव्ड वंस को टाइम भी दे पाता हूँ डिस्पाइट हेक्टिक ड्यूटीज एंड स्टडीज। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम्स एट अ टाइम एंड आई एम लिटरली वरिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ बिकॉज आपके भी एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई हैव द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू अलॉन्ग विथ माई प्रिपरेशन। बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज इट्स माई पैशन टू गाइड यू। आई वॉन्ट टू ब्रिंग स्मार्ट चेंजेस इन योर बोरिंग ट्रेडिशनल लाइफ एंड फॉर मी इट्स एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज माई सर्जरी करियर। वेरी मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर दीज वीडियोज सिंगल हैंडेडली। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैवन्ट डन इट। इट्स 1:30 नाउ एंड मेरी आंखें अब बंद होने के लिए तरस रही है। ये वीडियो के साथ आप भी अब भी चैलेंज लोगे कि कल आप दिन के मिनिमम 15 आवर्स पढ़ोगे। क्लॉक लेके टाइम शेड्यूल बना लो आज और अभी, बट कल 15 आवर्स बैठना है एंड मुझे इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट्स में रिप्लाई करके बताना है। थैंक यू अगेन, बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।